हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिजिंग एंड सोल्डरिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड इसमें बिल्डिंग वेल्डिंग के भी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। सो दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें एंड नोट करते चलें, अच्छे से देखें ताकि आपको याद हो सके और आने वाले प्रत्येक एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप यहां से देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है दिस जॉइनिंग ऑपरेशन इज यूज फॉर पार्ट ऑफ बाइसिकल फार्म्स एंड रिम्स फ्रेम्स एंड रिम्स। तो साइकिल की फ्रेम और रिम्स को जोड़ने के लिए किसका यूज करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सोल्डरिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, बोलिए क्या बोल रहा है, विच फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग टिन सीट सोल्डरिंग टिन सीट की सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का यूज किया जाता है। तो भैया, टिन सीट की सोल्डरिंग करने के लिए जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है अ हैचेट टाइप सोल्डरिंग हैज सेंक फिटेड एट 90 डिग्री टू द हेड हैविंग उसका हेड जो 90 डिग्री पर लगा होता है उसका हेड किस शेप में होता है। यहाँ पर बोल रहा है किस शेप में होता है, तो भैया वो होता है वी शेप में। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर, मेल्टिंग पॉइंट इन हार्ड शोल्डर लिप्स लाई अबव यानी कठोर शोल्डर गलनांक कितना होता है, तो कठोर शोल्डर जो का गलनांक जो होता है वो होता है 450 डिग्री। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लक्स मटेरियल इज एक्सट्रीमली कोरोसिव एंड यूज फॉर सोल्डरिंग द कॉपर सीट ब्रास सीट एंड टिन प्लेट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी फ्लक्स सामग्री बेहद संचारी है और तांबे की परत, पीतल की परत और टिन प्लेटों की सोल्डरिंग करने के लिए कौन सी यहाँ पर फ्लक्स का यूज करेंगे हम। तो भैया, टिन हो, पीतल हो, तांबा हो, इन सब प्लेटों की सोल्डरिंग करने के लिए हम करते हैं यहाँ पर जिंक क्लोराइड का यूज। हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स है बोल रहे द प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोल्डरिंग बिट्स सोल्डरिंग बिट के लिए कौन सा मटेरियल उत्तम होता है, अच्छा होता है। तो तांबा जो हमारा होता है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, ऊष्मा को अच्छे से अवशोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट फॉल्स फर्स्ट ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर तापमान में वृद्धि होने पर सबसे पहले कौन सा जोड़ असफल होगा। तो हमारा जो यानी कि यहाँ पर देखिए सोल्डरिंग जो है वो सबसे पहले असफल होगा क्योंकि ये बहुत कम टेम्परेचर पर खुल जाता है। उसके बाद हमारा होगा ब्रिजिंग, उसके बाद हमारा होगा वेल्डिंग, उसके बाद होगा रिवेटिंग। क्वेश्चन नंबर एट हमारी स्क्रीन पर बोल रहा है व्हाट इज द ब्रिजिंग फिलर रॉड मेड ऑफ फिलर रॉड यानी ब्रिजिंग पूरक छड़ निर्मित होती है। तो ब्रिजिंग पूरक छड़ जो निर्मित होती है वो होती है अपनी यानी कि पीतल से, ब्रास यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन आपकी स्क्रीन पर, ब्रिजिंग इज यूज टू जॉइन विच टू मेटल कौन से मेटल को ब्रिजिंग द्वारा जोड़ा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लगा दीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्रास टू ब्रास, एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम, स्टील टू स्टील, कॉपर टू कॉपर। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन ब्रिजिंग इज कंप्लीट वर्क फीस शुड बी कूल्ड जब ब्रिजिंग पूर्ण हो जाती है तब कार्यखंड को ठंडा करते हैं। कैसे करते हैं भैया, हम जो हमारा कार्यखंड होता है उसको हम धीरे धीरे ठंडा करना चाहिए, स्लोली ठंडा करना चाहिए। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब हमारे क्वेश्चन आते हैं वेल्डिंग के, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रत्येक एग्जाम के लिए एंड आपका जो DRDO का एग्जाम होने वाला है, DRDO का आपका एग्जाम होने वाला उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इसमें से पिछले एग्जाम में पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चंस को मैं निकाल के आया हूँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बिल्कुल भी इसके मत करना। अगर आपने अभी तक DRDO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड नहीं किया है तो जा कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिटर टनर एंड मशीनिस्ट के स्टूडेंट्स के लिए
तीनों स्टूडेंट्स के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा दी है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अपने अपना इंग्लिश में फुल इंग्लिश में स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 500 प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज आपके लिए फुल इंग्लिश में मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिए, बहुत हेल्प होगी आपकी। ठीक है, फुल इंग्लिश में प्रोवाइड कराए गए हैं। यूथ कॉम्पिटिशन की बुक मिल जाएगी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक किया करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और थोड़े से हम अच्छे से आपको मेहनत कर सकें। और गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वेल्डिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, विच टाइप ऑफ थ्रेड यूज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर। ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर में किस प्रकार की चूड़ी होती है, तो दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड थ्रेड होती है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी फ्यूजन यानी गलन वेल्डिंग प्रक्रिया है, तो हमारी जो थर्मेट वेल्डिंग होती है वो हमारी गलन वेल्डिंग प्रक्रिया होती है, फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस होती है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर, प्रत्येक वीडियो में आपसे बोला करता हूँ, प्लीज़ मेरे आंसर देने से पहले प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप खुद देने की कोशिश करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, आपको पता लग सके कि आपकी कितनी तैयारी है। और जो भी क्वेश्चन आपको, पूरे क्वेश्चन को अगर आप नोट कर सको तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। जुड़ जाइएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर आपके लिए संडे लाइव टेस्ट देने को मिल जाएगा, एंड आपके लिए जितनी पीडीएफ है वहाँ पर हमारी मिलती रहेंगी। सो आप जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में करते हैं, तो टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग का आपने नाम सुना होगा। टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग क्या होता है, इसका हम जब डिटेल लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे तो आपके लिए सही से हम समझा देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, यानी कि टिग वेल्डिंग में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर फोर है, द रिवर्स पोलरिटी इन द आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में विपरीत ध्रुवता क्या है। जब विपरीत, आपने पोलरिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्ट्रेट पोलरिटी, एक होती है रिवर्स पोलरिटी। ये हमारे जो हमारे मेटल जो होते हैं, मेटल की मोटाई के अनुसार ये रिवर्स पोलरिटी एंड स्ट्रेट पोलरिटी को हम यूज करते हैं, पोलरिटी को यूज करते हैं। जो हमारा पर पतली सीटों के लिए हम रिवर्स पोलरिटी का यूज करते हैं, एंड मोटी सीटों के लिए हम स्ट्रेट पोलरिटी का यूज करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है रिवर्स पोलरिटी कब होगी, जब हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोड केबल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रोड जो हमारा होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, और हमारा जो जॉब जो वर्कपीस होता है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल से अगर जोड़ देंगे तो हमारी स्ट्रेट यानी कि रिवर्स पोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, और आपसे पूछा जाए स्ट्रेट पोलरिटी क्या होती है, तो स्ट्रेट पोलरिटी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड केबल जो होता है उसको हम जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, और हमारा जो वर्कपीस होता है उसको हम जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोल रहा है। इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टिग वेल्डिंग फॉलोइंग पोलरिटी इज यूज, यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में हम कौन सी यहाँ पर यानी पोलरिटी का यूज करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा डीसी स्ट्रेट पोलरिटी का हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर देखिए, द प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोल्डरिंग बिट्स के लिए हम कॉपर का यूज करते हैं, मैंने अभी बताया था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर, तापमान वृद्धि होने पर सबसे पहले कौन सा जोड़ असफल होगा, तो हमारा सोल्डरिंग जोड़ असफल होगा। क्वेश्चन नंबर एट आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज ब्रेजिंग फिलर रॉड मेड ऑफ, किसकी बनी होती है, तो पीतल की बनी होती है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन आपकी स्क्रीन पर, ब्रेजिंग इज यूज टू जॉइन विच टू मेटल। ब्रेजिंग में कौन दो धातु को जोड़ सकते हैं, हम स्टील टू स्टील को जोड़ सकते हैं। आप टेंशन ना लें, आप सोच रहे हैं कि वो दोबारा क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, टेंशन ना लें, अब रिवाइज नहीं होंगे। तीन से चार क्वेश्चन थे जो डबल टाइप हो गए हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैन ब्रेजिंग इज कंप्लीट ब्रेकफिस्ट शुड बी कूल्ड, तो धीरे धीरे हमको करना है, धीरे धीरे हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 अब आपका सही क्वेश्चन आ गए हैं। विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज इन एसिटिलीन सिलेंडर रेगुलेटर। अभी मैंने ऑक्सीजन को बताया था, अब एसिटिलीन का उल्टा हो जाएगा। हमारा यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड थ्रेड हमारी एसिटिलीन होती हैं,
और अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछा जाए तो राइट हैंड आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, इज यूज टू प्रोटेक्ट द आई एंड फेस ऑफ अ बेल्डर फ्रॉम आर्क रेडिएशन एंड स्पार्क ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के दौरान आर्क विकिरण और चिंगारी से बेल्डर की आंखों और चेहरे की सुरक्षा के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पर करते हैं वेल्डिंग हेलमेट। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, इट इज नेसेसरी टू रिमूव द फ्लो रेसिड्यूज इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग प्रवाह अवशेषों को हटाया जाना आवश्यक होता है, किसके लिए होता है, हमको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्ट, जंग से बचाने के लिए। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, याद करते चलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस वेल्डिंग। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, गैस वेल्डिंग प्रयोग के बाद लोगों को कैसे बुझाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एस्टीन बाल को बंद करना है, उसके बाद ऑक्सीजन बाल को बंद करना है। हम यहाँ पर देख लेते हैं किसमें हमको मिल जाता है, देखिए यहाँ पर हमको मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी में, शट ऑफ एस्टीन बाल फर्स्ट। ठीक है, पहले आपको एस्टीन बाल को बंद करना है, नेक्स्ट ऑक्सीजन बाल, इसके बाद आपको ऑक्सीजन बाल को बंद करना है, तो आपकी लो बुझ जाएगी। ये तरीका होता है लो बुझाने का। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन, कई बार एग्जाम पूछ गया, अच्छे से याद रखना, नहीं तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एंगल टू बी मेंटेन इन द ब्लू पाइप एंड फिलर रॉड इन द लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टू टेक्निक। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लू पाइप वो भराव रॉड के में बनाए जाने वाले कोण को कोण कितने होते हैं, वो हमारा होता है 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया, अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट विल कोच इफ द नोजल टचेस द मोल्टन फूल। यदि नोजल पिघला होगा, फूल को छू लेता, तो क्या होगा हमारा, वहाँ पर हो जाएगा बैकफायर। आपने सुना होगा, यानी कि जब दोबारा छू लेता है तो हमारा जो आग होती है फुर होने लगती, फर की आवाज़ आने लगती है, जिसे बैकफायर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए, वेल्डिंग हीटेड द मेटल बिफोर वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन इज नॉन एज। वेल्डिंग या कटाई से पहले धातु गर्म करने को कहते हैं प्री हीटिंग। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, इन एन एस्टीन सिलेंडर द एस्टीन इज डिवॉल्व। एस्टीन सिलेंडर में एस्टीन किस फॉर्म में होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाना था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिसटेक हो गई, तो यहाँ पर एस्टीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, विच फ्यूल गैस इज फॉर अंडर वाटर कटिंग इन द डीप वाटर। गहरे पानी के अंदर कटाई के लिए किस ईंधन का उपयोग करते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पर हम करते हैं हाइड्रोजन गैस का प्रयोग, तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, इफ द ब्लो पाइप इज मूव टू एंड फ्रो फ्रिक्वेंटली विल भाइल कटिंग द कर्व। यदि कटाई के दौरान ब्लू पाइप के बराबर आगे पीछे घुमाया जाता है तो खांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा खांचा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। बी मोर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज यूज फॉर स्टेट सोल्डरिंग पॉइंट के लिए न्यून में किस प्रकार सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करेंगे। भैया हम वहाँ पर करेंगे हैचेट टाइप सोल्डरिंग आयरन का, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन ब्रिज वेल्डिंग। निम्न में से क्या ब्रिज वेल्डिंग में फ्लक्स का कार्य नहीं है, कौन सा फ्लक्स का कार्य नहीं है, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर बोल रहा है कौन सा फ्लक्स का कार्य नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है केमिकल क्लैम्प द जॉइंट, जोड़ को रासायनिक रूप से साफ करना, फ्लक्स धातु पिघलाने से पहले बाष्पीकृत करना, एंड यहाँ पर बोल रहा है रिमूव इम्प्रूव्ड फ्रॉम द जॉइंट, जोड़ से अशुद्धियों को साफ करना, और नेक्स्ट है आपका अलाउ मोल्टन फ्लर मेटल टू फ्लो, संगलित फ्लर धातु का निर्बाध प्रवाह करना। यहाँ पर हमारा डी इज द राइट आंसर होगा, ये हमारा कार्य नहीं होता है कि संगलित फ्लर धातु का निर्बाध प्रवाह करना, ये हमारा कार्य नहीं होता है, तो हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करिए, आप कमेंट कर रिप्लाई मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, उससे आपका हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 24, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। आपके दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक होता है डिस्ट्रक्टिव, एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी हम क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वेल्डिंग इज, तो यहाँ पर हमारा जो रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है, ये हमारा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट।
डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए समझा देता हूँ। देखिए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है, जहाँ पर हम धातुओं को तोड़कर वहाँ पर टेस्ट करते हैं, धातुओं को तोड़कर वेल्डिंग की टेस्ट है, कोई हमने वेल्डिंग की तो वहाँ पर हम धातुओं को तोड़कर टेस्ट करते हैं, वो हमारा हो जाता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। और जिस टेस्ट को हम बिना धातु को तोड़े वहाँ पर टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जैसे रेडियोग्राफिक टेस्ट, ये ग्राफिक की मदद से हम इस टेस्ट को करते हैं, इसे ये टेस्ट होते हैं वेल्डिंग दोषों का पता लगाने के लिए। किस लिए किए जाते हैं वेल्डिंग दोषों को पता लगाने के लिए? दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव एक नॉन डिस्ट्रक्टिव। जब हम धातुओं को तोड़कर जो टेस्ट हम करते हैं उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, और जो हम धातुओं को नहीं तोड़कर चेक करते हैं उसे हम कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बोल रहा है व्हाइल गैस कटिंग द नोजल शुड, गैस कटिंग के दौरान नोजल क्या करता है, कैसा होना चाहिए? तो हमारा जो वर्कपीस होता है, जो हमारा जॉब होता है, उससे हमारा नोजल 5 mm दूर होना चाहिए, बी 5 mm अवे फ्रॉम वर्क। ठीक है, 5 mm दूर होना चाहिए, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज डन इन हाई वैक्यूम चैम्बर, उच्च निर्वात कक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया किया जाता है? तो वहाँ पर किया जाता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, EBW, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है द विड्थ ऑफ कट प्रोड्यूस्ड इन गैस कटिंग ऑपरेशन इज नोन, गैस कर्तन प्रचलन में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई को कहा जाता है कर्फ, बी इज द राइट आंसर होगा, उसे कहते हैं कर्फ। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, अ वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू कन्वर्ट, वेल्डिंग परिणामित्व में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या किया जाता है भैया? कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वेल्डिंग, जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसका क्या कार्य होता है? वो एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई परिवर्तित करता है, जिससे क्या होता है कि उसका वोल्टेज कम हो जाता है एंड एम्पियर करंट हाई हो जाता है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बोल रहा है मोल्टन फ्लक्स विच सोल्डिफाई ओवर द वेल्ड मेटल इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इज कॉल्ड, हस्तचालित धातु आर्क वेल्डिंग में वेल्ड धातु पर पिघला फ्लक्स जो ठोस बन जाता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा स्लैग, क्या कहलाता है गाइस? स्लैग, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बोल रहा है वेल्ड स्पेटर क्या है भैया, वेल्ड स्पेटर किसका, वेल्ड स्पेटर किससे संबंधित है? तो वेल्ड डिफेक्ट से, वेल्ड डिफेक्ट आपको होते हैं, स्पेटर हो गया, पोरोसिटी हो गया, ये आपके वेल्ड डिफेक्ट होते हैं, वेल्डिंग के डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर, द पोजीशन इन विच इट इज ईजिएस्ट वेल्ड, वह पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है वह होता है फ्लैट, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, क्या बोल रहा है 32 क्वेश्चन देखिए, द पोजीशन इन विच इट इज टफेस्ट टू वेल्ड, यानी पोजीशन वह पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग करना सबसे कठिन होता है, वो हमारी होती है ओवर हेड वेल्डिंग पोजीशन, जो कि बहुत टफ होती है वेल्डिंग करना। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया, इसका आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। अच्छे से याद रखना, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33, इफ़ अ वर्कर हैज सफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक शक ही शुड बी, यदि एक श्रमिक बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे क्या करना चाहिए? एल्कोहलिक पेय पिलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए भैया। यहाँ पर बोल रहा है कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना चाहिए, ठंडी धातु तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए, चलने को कहना चाहिए बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, उसे गर्म रखना चाहिए और गर्म हॉट कॉफ़ी या गर्म दूध उसे पिला सकते हैं, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर, द आर्क यूटिलाइज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है, कौन सी आर्क हम प्रयोग करते हैं? मैंने अभी बताया था आपके लिए, हम जो ट्रांसफार्मर होता है उससे क्या करते हैं, लो वोल्टेज कर देते हैं और हाई करंट कर देते हैं, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लो वोल्टेज हाई करंट वाला डिस्चार्ज हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड इन वेल्डिंग शॉप, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेल्डिंग शॉप में किस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है? तो CO2 एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाई एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक हम यूज करते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 36 है, द वेल्डिंग मशीन विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी वेल्डिंग सप्लाई टू डीसी वेल्डिंग सप्लाई, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, याद रखना। इसका ये बोल रहा है कि वेल्डिंग मशीन जिसका प्रयोग एसी वेल्डिंग
एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, वो हमारा कौन सा सेट है, कौन सा यंत्र है, वो हमारा भैया रेक्टिफायर सेट होता है। रेक्टिफायर से हम एसी वेल्डिंग को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में किस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप। तो वहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमको लो वोल्टेज एंड हाई करंट चाहिए। स्टेप डाउन हमारा लो वोल्टेज और हाई करंट प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पर हम आर्क वेल्डिंग में लो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, द साइज ऑफ अ वेल्डिंग मशीन इज डिटरमाइंड बाय। वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित किया जाता है, जो हमको जितना आउटपुट वो देती है उसी के अनुसार हम वेल्डिंग मशीन का साइज को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट एम्पीरेज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर, इन डीसी वेल्डिंग हीट डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल ड्यू टू द चेंज ऑफ पोलरिटी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। डीसी वेल्डिंग में पोलरिटी में परिवर्तन के कारण बेस धातु और इलेक्ट्रोड के बीच ताप विभाजन संभव होता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन है भैया, ये होता है पॉजिटिव 2/3 एंड नेगेटिव 1/3 होता है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी बुक में साइड ना मिले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट में अपने नोट कर लीजिए भैया, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। पॉजिटिव 2/3 होता है एंड नेगेटिव 1/3 होता है। आपका विभाजन यहाँ पर पूछा है कि डीसी वेल्डिंग में पोलरिटी में परिवर्तन के कारण बेस धातु और इलेक्ट्रोड के बीच ताप का कितना कितना विभाजन होता है। जो पॉजिटिव जाता है वो 2/3 एंड नेगेटिव होता है 1/3 में विभाजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर है इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोड का साइज हम कोर वायर के व्यास से लेते हैं, उसके कोर वायर के व्यास द्वारा डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर, द साइज ऑफ कटिंग नोजल यूज इन ऑक्सी एस्टिलिंग कटिंग प्रोसेस डिपेंड्स मेनली। ऑक्सी एस्टिलिंग कर्तन प्रक्रिया प्रयोग किए जाने वाले कटिंग नोजल का साइज मुख्यतः निर्भर करता है। काट जाने वाले धातु की मोटाई पर, ऑक्सीजन की शुद्धता पर, कट की अवधि पर, कटिंग ब्लो पाइप का प्रकार। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा काटी जाने वाली धातु की मोटाई पर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस, आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप जैसे भाई लोगों की और भी हेल्प हो सके, उनको ये क्वेश्चन फ्री में मिल सकें, यूनिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।